भारत में व्रत रखने की परंपरा सदियों पुरानी है। कल यानी 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हुई। नवरात्रि के दौरान कुछ लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। व्रत रखने का एक अपना ही धार्मिक महत्व है, लेकिन ये सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद होता है। आजकल लोग अपना वजन कम करने और फिट रहने के लिए भी व्रत रखते हैं। इससे शरीर डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं व्रत करने के फायदे और व्रत खोलने के सही तरीके के बारे में। व्रत के फायदे। व्रत करने से शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है, जिससे शरीर की अंदर तक की सफाई हो जाती है। साथ ही इससे मेमोरी पावर भी तेज होती है, जिससे अल्जाइमर के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके अलावा फास्टिंग मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाती है और नींद में सुधार करता है। साथ ही पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। इसके अलावा व्रत करने से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन व्रत करने के ये फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप सही तरीके से व्रत करेंगे। तो आइए जानते हैं व्रत खोलने का सही तरीका। व्रत खोलने का सही तरीका। सबसे पहले पानी पिएं। इसके बाद जूस, छाछ या नारियल पानी जैसे ड्रिंक्स पिएं। इसके अलावा आप केला, सेब या पपीता भी खा सकते हैं। साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स को डाइट में शामिल करें। इसके अलावा अपच और ब्लोटिंग से बचने के लिए आप दाल का सूप भी पी सकते हैं। साथ ही ज्यादा चीनी, डीप फ्राइड फूड्स, कार्ब्स, मक्खन और पनीर खाने से परहेज करें। इसके अलावा सीड्स और कच्ची सब्जियों से भी दूर रहें, क्योंकि उनमें ज्यादा फाइबर होता है जो पाचन तंत्र पर दबाव डालता है।